गुड इवनिंग, खुश रहो स्वस्थ रहो सभी को एक एक मोल आशीर्वाद हां जी आवाज आ रही मेरी वेरी गुड इवनिंग क्या था होमवर्क क्या था Oh, one, forty, say forty-five. ओवन में कोई डाउट पूरा हो गया होमवर्क फोर्टी से फोर्टी फाइव 40 का फोर्टी एंड सी दोनों नहीं हो सकता क्या ए क्यों हो सकता है बेटा नेगेटिव क्यों होगा ओवन में कोई डाउट नहीं फोर्टी फोर लास्ट टाइम जाते जाते यही बताया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ई नॉट सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा दे रखा है माइनस पॉइंट सेवन नाइन नाइन जिसे आप पॉइंट एट भी लिख सकते हो और एक और डेटा दे रखा है माइनस 0.029 सॉरी माइनस जीरो ये क्या है कब जब ए सिल्वर वायर डिप्ट इन पॉइंट वन एम एच सी एल विथ ए मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एजीसीएल भी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एजीसीएल ये दोनों डेटा दे रखे हैं और के फाइंड आउट करनी है के एस पी फाइंड आउट करना है लास्ट क्लास का लास्ट पेज देखना यही बताया था बताऊं क्या ये देखो तीन पैरामीटर्स हैं, दो पता हो तो तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो बात कुछ समझ में आई बेटा कल कोई हॉलीडे नहीं है अब हॉलीडे जो होगा वो सेकेंड अक्टूबर को होगा और बोलिए आगे आदित्य 43 में डबल वर्टिकल लाइन नहीं है उसका अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्यों नहीं है वो समझ में आ जाएगा ठीक है तुम केवल सेल रिएक्शन पर फोकस करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है बस उस पर फोर्टी फोर में शॉर्टकट लगा सकते हो बेसिकली 44 में भी या तो डेल्टा जी से कर लो नहीं तो शॉर्टकट भी लगा सकते हो क्योंकि एक तरह से ये ई नॉट ऑक्सीडेशन है और इसको ऐसे समझ लो कि यहां केवल सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका ई e ऑक्सीडेशन का क्या होता है ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ए जी ए जी प्लस माइनस पॉइंट जीरो सिक्स अपॉन वन लॉग ए जी प्लस आइन कंसेंट्रेशन विच इज के एस पी अपॉन सी एल आइन कंसनट्रेशन राइट अब अगर मैं सी एल आइन कंसनट्रेशन को वन पुट कर दूं तो ये जो ई e है वो ई e नॉट हो जाएगा तो यहां पर इसको वन पुट कर देना और ये ई e ऑक्सीडेशन मतलब ये ई e नॉट हो जाएगा यही वाला तो ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो आयुष कह रहा सर कल आपने वन अपॉन के एस पी क्यों लिया क्या बोले हम इसको के की रिएक्शन क्या होती है आयुष के की रिएक्शन क्या होती है तो यहां क्या लिखा हुआ मैंने उल्टा तो ये के तो ये वन अपॉन के एस पी तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में भी शॉर्टकट लगाया जा सकता है बट दोनों ही तरीके पता हो एक्चुअल तरीका भी पता हो क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझ तो शॉर्टकट से ही कर लूंगा सोचो तो ये शॉर्टकट हर जगह नहीं लगेगा बट जो डेल्टा जी वाला तरीका है वो हर जगह लगेगा तो जो यूनिवर्सल अप्रोच है वो हमेशा पता होनी चाहिए क्या ये ऐसे तो कर ही सकता हूं इसका डेल्टा जी निकाल लो इसका डेल्टा जी निकाल लो उससे इसका डेल्टा जी नोट आ जाएगा और बोलिए फोर्टी फाइव में भी यही करना है लॉग की वैल्यू लॉग कैलकुलेटर से निकलेगी चलिए उसके बाद एस वन पर आ जाइए एस वन पर आ जाइए थर्टी वन से थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में एनोड पर एच प्लस आइन कम चाहिए एनोड पर अगर एच प्लस आइन कम चाहिए तो एनोड पर रखो बेस और कैथोड पर किस को रखो एसिड को क्योंकि एनोड पर एच प्लस आइन कम चाहिए तो अगर बेस होगा तो ओ एच आइन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उससे एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में बेस क्या है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मिली मोल तो बेस की कंसेंट्रेशन पॉइंट फाइव मिली मोल या तो मिली मोल है तो डायरेक्ट वॉल्यूम इन एमएल से डिवाइड कर दो ये हो जाएगा थाउजेंड तो ये कंसंट्रेशन आ जाएगी टेन की पावर माइनस थ्री एम और इस बेस का के बी दे रखा है टेन की पावर माइनस नाइन ओ तो एच OH आइन कंसटेशन आ जाएगी टेन की पावर माइनस सिक्स तो एच प्लस आइन आ जाएगी टेन की पावर माइनस एट और एच सी एल की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी फिफ्टी मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड मतलब पॉइंट वन एम तो एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन पता चल गई इधर भी एच प्लस पता है इधर भी एच प्लस पता है अब नक्स्टिक इक्वेशन लगा देना आंसर आ जाएगा हो जाएगा अब आगे बोलिए थर्टी टू थर्टी थ्री ये सब मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के ही क्वेश्चन है नहीं बता रहा बेटा थर्टी थ्री नहीं बता रहा हूं क्लास में बता चुका हूं सेम क्वेश्चन है क्लास में इतने सारे क्वेश्चन के बाद भी अगर मुझे ये बताना पड़े तो कोई मतलब नहीं है बेटा छोड़ दो थर्टी थ्री में ई e सेल निकालना है थर्टी फोर में ई e सेल दे रखा है रिवर्स में जाके यानी पहले थर्टी फोर में ई e सेल से एनोड पर एजी प्लस आइन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर लो शॉर्टकट तो लग जाएगा थर्टी फोर में एनोड पर एजी प्लस आइन कंसनट्रेशन निकाल लो नस्ट इक्वेशन से आयोडाइड आईडाइड कंसेंट्रेशन दे रखी है और एजी प्लस और आईडाइड कंसेंट्रेशन से के एस पी आ जाएगा सब फॉर्मुला वाइज क्वेश्चन है सब उसी तरह से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सेवन जो यहां किए हैं वही है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में शॉर्टकट लगा दो ई e सेल को जीरो कर दो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में ई e सेल को जीरो कर दो नैतिक बस इतना ही करना है और वो साफ लिखा हुआ और क्या लिखेगा यहां पर ट रेशियो ऑफ दी कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड क्लोराइडाइन वुड दी ई एम एफ ऑफ द सेल बी जीरो नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ ई नॉट सेल बी जीरो है ई एम एफ यानी ई e सेल को भी जीरो करना है तो उससे ब्रोमाइड अपॉन क्लोराइडाइन की कंसेंट्रेशन का रेशियो आ जाएगा यस yes, सोनू सही कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में आंसर पॉइंट फोर टू नहीं पॉइंट जीरो फोर टू आएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का आंसर पॉइंट जीरो फोर टू होगा क्योंकि आंसर कुछ ऐसा आ रहा है पॉइंट जीरो सिक्स इंटू पॉइंट सेवन विच इज पॉइंट जीरो फोर टू यस बिल्कुल सही कह रहे हो ठीक है सोनू डन सारे क्वेश्चंस इसी तरह से क्लास में करवा चुका हूं इनफैक्ट क्लास में इससे भी टफ क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं जो क्लास में क्वेश्चन करवाए वो मैंने केस वन पर भी करवाया केस टू पर भी करवाया तो सारे क्वेश्चन शॉर्टकट वाले ही है तो उससे भी आसान है वो क्वेश्चन यस चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं तो इस चैप्टर में मैंने मेटल मेटल स्पेरिंगली वाला भी करवा दिया अब इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट और रह गया वो बता देता हूं एक छोटा एक दो पॉइंट और है वो यहां पर मैं बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा तो बड़ा सिंपल ही वैसे डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है माइनस एन एफ ई और अब हमें पता है कि टेम्परेचर बदलेगा तो डेल्टा जी भी बदलेगा डेल्टा जी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और ये थर्मोडानिम्स में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इनफैक्ट डेल्टा एच भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है याद है इक्वेशन अगर किसी टी वन टेम्परेचर पर एंथेल्पी चेंज पता है टी टू पर निकाल सकते हो क्या टी वन टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज पता है तो क्या टी टू पर निकाल सकते हो कुछ याद आ रहा है बताओ थर्मोनाइनेमिक्स पक्का बिल्कुल सही ग्रंथ क्रिच ऑफ इक्वेशन भार्गव राइट हैंड साइड में क्या आता है राइट हैंड साइड में क्या आता है अविरल ये कुछ और लिख रहे हो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन नहीं पूछी है ये एल एन के टू अपॉन के वन ये वॉन्ट ऑफ इक्वेशन हो गई हार्दिक ने सही लिखा है कैपिटल एच हॉफमैन इक्वेशन ये कहां से आ गई भाई ऑर्गेनिक की क्लास नहीं है फिजिकल में कहीं पे भी हॉफमान इक्वेशन ऐसी कुछ नहीं होती हार्दिक सही लिखा एंट्रोपी वाले केस में डेल्टा सीपीआर दोनों में डेल्टा सीपीआर तो आता ही आता है डेल्टा एनजीआर नहीं आता है गलत डेल्टा सीपीआर एंट्रोपी वाले केस में एल एन टी टू बाई टी वन एनथेल्पी वाले केस में टी टू माइनस टी वन एनथेल्पी वाले केस में टी टू माइनस टी वन और एंट्रोपी वाले केस में एल एन टी टू बाई टी वन चलो याद रखना उस चीज को लेकिन यहां पर क्योंकि अगर सब टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी दो हम कर सकते हैं ऐसा नहीं नहीं कर सकते बट एज्यूमिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी टेम्परेचर इनडिपेंडेंट अगर ये टेम्परेचर के इनडिपेंडेंट है तो माइनस एन एफ एक तरह से इसको यूं कह दो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी टी इसका डिफरेंशिएशन जीरो टी सॉरी डेल्टा एस कॉन्स्टेंट है तो टी का डिफ्रेंशिएशन वन तो बचेगा क्या डेल्टा एस माइनस माइनस कैंसिल आउट तो डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एस एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया एन एफ डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एस और डी अपॉन डी टी ये क्या बता रहा है एक तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस का कर प्लॉट किया जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये उसका स्लोप है और अगर ये स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है अगर ये स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो रहा है अब डी अपॉन डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है यह किस पर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली डेल्टा एस पर डेल्टा एस यानी अगर किसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा और अगर नेगेटिव है तो कम होगा यानी इफ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो एस टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस और अगर डेल्टा डेल्टे नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं कम हो जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा यानी क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं होता और इस पर जेई में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं जेई एडवांस में इस पर क्वेश्चन आ चुका है और इसको एक नाम भी दिया जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट वैसे ये वर्ड बहुत जगह यूज होता है बट यहां पर भी यूज हो रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है कुछ नहीं टेम्परेचर ग्रेडियंट एक तरह की वैल्यू है लेकिन यहां पर एक और चीज मैं बता दू जनरली इस डी अपॉन डी की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत कम होती है टेन की पावर माइनस फोर टेन की पावर माइनस फाइव इस ऑर्डर का होता है मतलब अगर आप किसी सेल का टेम्परेचर एक दो केल्विन दस पंद्रह केल्विन अगर बढ़ा भी देते हो तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता अगर आप किसी सेल का सेल पोटेंशियल हंड्रेड केल्विन भी बढ़ा देते हो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस भी तो भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 10 की पावर माइनस थ्री यानी पॉइंट इतना ही चेंज होता है इसीलिए हम जितने भी सेल्स और बैटरीज यूज करते हैं आप सोचो सपोज करो आप एक सेल को यहां यूज करो इंडिया में जहां टेम्परेचर 40 डिग्री और कभी सपोज और अंटार्कटिका या इस जगह चले जाओ जहां टेम्परेचर माइनस थर्टी फोर्टी डिग्री भी है तो सेल के सेल पोटेंशियल में चेंज बहुत कम होता है तो टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता है लेकिन उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है अविरल वापस सोचना क्या बोल रहे हो क्या डेल्टा एस तो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो डिफरेंशिएट तो टेम्परेचर को करूंगा तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी टर्म क्यों आएगी तो अगेन एक सिंपल सा फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज पता है तो डी बाई डी टी डी बाई डी टी पता है तो यहां से एंट्रोपी चेंज आ जाएगा बट ध्यान रखना यहां पर हमने माना हुआ है कि ये दोनों टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है ये दोनों ही टर्म टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है जेई में शीट में दे रखा है करेंगे देन नेक्स्ट एक और पार्ट पर आते हैं सॉल्ट ब्रिज हेडिंग डाल दीजिए सॉल्ट ब्रिज ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है तो वापस से अब इस चैप्टर के युगे दो स्टार्टिंग में जाते हैं जहां पर मैंने आपको एक गैल्वेनिक सेल की वर्किंग समझाई थी कि गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है मैंने डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था याद करो और डेनियल सेल के एग्जाम्पल में मैंने कहा था आपसे कि एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन होगा राइट इस तरह से हमने दोनों हाफ पार्ट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और उस वायर में हमने देखा कि करंट फ्लो कर रही है ये जिंक इलेक्ट्रोड यह कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पर जिंक का सॉल्यूशन है यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और मैंने आपसे कहा था कि इस एंड पर ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वायर के थ्रू मूव करते हुए यहां पहुंचेंगे यहां रिडक्शन होगा यहां पर वापस जिंक वाली रिएक्शन फॉरवर्ड में आ जाएगी और यहां कॉपर वाली रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाएगी इस एंड पर जैसे जैसे सेल रिएक्शन होगी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा सॉल्यूशन में जेड एन प्लस टू कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और यहां पर सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में से कॉपर प्लस टू इस पर क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहे, हैं यही बताया था कि जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी कुछ और जिंक सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाएंगे जिससे यहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाएगी यानी सॉल्यूशन में से कुछ और कॉपर प्लस टू आइंस यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे राइट right? लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम होती है दो पहले मैंने आपसे कहा था कि कब तक करंट मिलती जाएगी जब तक मैंने जब तक यहां पर जिंक है तो वो जिंक ऑक्सीडाइज होता जाएगा सॉल्यूशन में कॉपर प्लस टू आयन है वो डिपॉजिट होता जाएगा और हमें करंट मिलती रहेगी लेकिन ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो अब मैं बता रहा हूं वो इसलिए नहीं होगा कि जैसे जैसे यहां पर सोल्यूशन में जेडन प्लस टू होते हैं तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज बढ़ने लगता है और प्लस चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है कि फर्दर जो जिंक आयन डिजोल्व हो रहे हैं उसको ये सॉल्यूशन रिपेल करता है प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है तो क्या होगा कि थोड़ी देर में यहां पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि वो जिंक आयन को फिर डिसॉल्व होने ही नहीं देता है वो जिंक आयन के डिसोल्यूशन को रोक देता है सिमिलरली जैसे जैसे ही थोड़े से कॉपर प्लस टू यहां डिपॉजिट होंगे इस सॉल्यूशन पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यानी कॉपर प्लस टू आइन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस टू आइंस है वो यहां जाके डिपोजिट ही नहीं होंगे क्यों क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा यानी होगा क्या जैसे ही थोड़ी करंट फ्लो करेगी यहां पर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा यहां माइनस चार्ज बढ़ जाएगा जिसके कारण यहां पर जिंक डिजोल्व नहीं होंगे यहां से कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा और जब जिंक डिजोल्व नहीं होगा कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा तो थोड़ी देर के बाद इस सेल से आपको कोई करंट नहीं मिलेगी जबकि अभी भी यहां जिंक प्रेजेंट है अभी भी यहां पर कॉपर आयन प्रेजेंट है लेकिन हमें करंट नहीं मिलेगी अगर हम चाहते हैं कि हमें जिंक और हमें करंट मिलती रहे हमें करंट मिलती रहे तो जरूरी क्या है इस सॉल्यूशन पर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम करना होगा यहां पर नेगेटिव चार्ज कम करना होगा मतलब किसी तरह से यहां पर हमें इन चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा अगर ये चार्ज यहां पर बढ़ेगा तो ये सेल आपको करंट नहीं देगा अब क्वेश्चन ये आता है कि हम चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं है ध्यान रखना चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का जो तरीका है वो है सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हम इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो समझते हैं लेकिन अगर उससे पहले किसी के दिमाग में कोई तरीका आ रहा हो कि नहीं सर ऐसे में इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता हूं तो वो बता दो अगर किसी के दिमाग में कोई तरीका आ रहा कि हाँ सर इस तरीके से यहां पर चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है तो वो बता सकता है बहुतों को क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में एक वायर लगा दू तो क्या चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा नहीं होगा वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आयंस वायर के थ्रू मूव नहीं करते हैं और यहां पर सॉल्यूशन में आयंस है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एक वायर डालने से कुछ नहीं होगा यहां पर नीरज ने बोला कि क्लोराइड आयन डाल देंगे बेटा अकेले क्लोराइड आपके पास नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना हमारे पास अकेले केवल एनआईन या केवल केटाइन नहीं होता है जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें केटाइन भी होता है एनआईन भी होता है तो अगर कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन डालोगे तो उससे थोड़ी चार्ज गायब होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन डालोगे तो जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव ही रहेगा जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा तो अब मैं बताता हूं क्या होता है सॉल्ट ब्रिज सुनिए यहां पर समथिंग लाइक यू कह दो एक यू शेप्ड ट्यूब है एक यू शेप में ट्यूब होती है यू ट्यूब नहीं है ध्यान रखना इस यू शेप्ड ट्यूब में या तो जिलेटिन या अगर अगर जिलेटिन या अगर अगर सुनाइए नाम अगर अगर क्या होता है एनी वन व्हाट इज अगर अगर वंश इलेवेंथ में बायो में पढ़ा था मतलब तुम्हारे पास बायो भी है अगर अगर क्या तो तने कह रहा अगरबत्ती है अगर मगर बोल दो ये आपको पता पानी में नीचे जो ग्रीन कलर बहुत दिनों तक पानी अगर पड़ा रहे तो नीचे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ जम जाता है जिसे काई बोलते हैं हिंदी में बेसिकली इट इज एलगी एल जी एलगी होती है ये हिंदी में काई बोल सकते हो आप इसको बिल्कुल तो वही होती है एलगी दैट इज अगर अगर हम्म और ये जिलेटिन भी मतलब एक से देखा जाए तो इट इज अ लायोफिलिक सब्सटेंस ऑफ फिर बट आप पूछोगे लायोफिलिक क्या होता है हाँ लेकिन मैं आपको एक चीज बता दू जी जो ये जो जिलेटिन होता है ना जिलेटिन ये आइसक्रीम्स में यूज होता है आपको पता है हाँ आपने देखा होगा कि जो मार्केट में आइसक्रीम बन मिलती है ना हमें वो काफी सॉफ्ट होती है मतलब इजीली कट जाती है और जो घरों घर गर पर कभी कभी शायद आप लोगों ने अगर आइसक्रीम बनाई हो या आई डोंट नो मतलब ऐसा होता है कि दूध को थोड़ा सा उबाल दो अच्छी तरह से शक्कर डाल दो और उसको फिर फ्रीजर में ले जाकर रख दो तो आइसक्रीम बन जाती है आइसक्रीम बन जाती है हाँ या ना लेकिन वो जो घरों में हम आइसक्रीम बनाते हैं वो बड़ी हार्ड होती है और जो मार्केट में मिलती है आपको पता है बहुत सॉफ्ट होती है इजीली कट जाती है वो डिफरेंस पता है किसके कारण आता है इसी जिलेटिन के कारण आता है एक्चुअली आइसक्रीम भी एक तरह से कुछ हद तक कोलाइडल सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम बट आइसक्रीम में ये जिलेटिन यूज होता है और अब गूगल पर सर्च करना कि जिलेटिन मिलता कहां से है ये जिलेटिन कैसे प्रोड्यूस होता है वो जाके गूगल पर सर्च करना मजा आएगा तुम्हें जो वेजिटेरियन है उनको बड़ा मजा आएगा सुन के पढ़ के है ना अविरल ने ढूंढ लिया ऋतुराज ने भी ढूंढ लिया बस बहुत है इतना खैर अभी वो छोड़ो ऋतुरा हिंदराज कह रहा सर बस इतना मत दो हमें बहुत है लक्ष्य कह रहा है सर आज से आइसक्रीम खाना बंद अविरल कह रहा है कि सर ये कैप्सूल में भी यूज होता है चलो अब मेरे को तो इतना ही ज्ञान देना था तो क्या किया जाता है जिलेटिन और अगर अगर इनको मोल्टन फॉर्म में मोल्टन फॉर्म में इस ट्यूब में डाल दिया जाता है और इनके साथ में यानी इनके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे के थ्री एन एच फोर थ्री ये मिक्स कर दिया जाता है होता है क्या उससे जब आप मोल्टन फॉर्म में इसके मोल्टन फॉर्म में के थ्री डालते हो तो के एन थ्री में टूट जाता है और यहां पर इस ट्यूब में ये आयंस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन पोटेशियम आयन नाइट्रेट आयन और ये जो जिलेटिन और अगर अगर है ना ये इसमें सेमी सॉलिड की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाते हैं एक तरह से इनकी जेली टाइप ये यूमान के चलो कि जिलेटिन अगर अगर का जेली बन जाती है और उसमें ये के प्लस और नाइट्रेट आयन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अब जब हम इसको यहां पर इन्वर्ट करके लगाते हैं अब जब इसको यहां पर इन्वर्ट करके लगाया जाता है ये सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है इसको एक तो ब्रिज तो है ही है सॉल्ट क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ है इसीलिए इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कह सकते हो कि केटाइन भी है एनाइन भी है इस तरफ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है तो ये जो एनाइंस है सॉल्ट ब्रिज में मतलब नाइट्रेट आयन वो इसकी तरफ जाते हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी के प्लस आयन वो एनोड कैथोड की ओर चले जाते हैं नेगेटिव चार्ज है वहां कैटाइन या पॉजिटिव चार्ज है वहां एनाइन एन, तो धीरे धीरे एज पर द रिक्वायरमेंट इट सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्ट ब्रिज से यहां पर एनाइन एन एन और यहां पर केटाइन मूव करते रहते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है दोनों हाफ पार्ट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि सर जिलेटिन और अगर अगर की क्या जरूरत पड़ी एक थॉट आता सर पानी में पानी में डाल दो ये पानी में भी डालेंगे को तब भी में टूट जाएगा वो तो तो यहां पर इसमें पानी भर दो और पानी में इन सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लो अब सोचो अगर पानी में डालूंगा तो क्या होगा जैसे आप इसको यहां इन्वर्ट करके लिखोग रखोगे आधा सॉल्यूशन इधर गिर जाएगा आधा सॉल्यूशन इधर गिर जाएगा खत्म और जब आधा सोल्यूशन इधर गिरेगा तो उसमें पोटेशियम आयन भी होंगे नाइट्रेट आइन भी होंगे आधा सोल्यूशन इधर गिरेगा उसमें पोटेशियम नाइट्रेट दोनों होंगे खत्म बात कुछ होगा ही नहीं वो चार्ज को न्यूट्रलाइज भी नहीं करेगा चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा क्योंकि केटाइन भी जा रहे हैं और एन आइन भी जा रहे हैं तो हो, क्यों यह हम जिलेटिन और अगर अगर यूज कर रहे हैं ये इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि यहां पर एक सेमी सॉलिड टाइप सब्सटेंस हो जाए ताकि उसको इन्वर्ट करने पर वो गिरे भी ना और उसके थ्रू स्टिल आयंस मूव करते रहें एक थॉट ये भी आता है कि यहां पर इसके अंदर सॉलिड के एन थ्री भर दो सॉलिड के एन थ्री भर दो लेकिन अगर आपने सॉलिड के एनओ थ्री भर दिया तो उसमें आयंस का मूवमेंट नहीं होता है अगर सॉलिड है तो के प्लस और नाइट्रेट आयन मूव नहीं होते हैं लेकिन एक जेली टाइप सब स्टेंस है विच इज समथिंग लाइक सेमी सॉलिड तो उसके थ्रू आयंस जो है वो मूव करेगा आयंस का मूवमेंट हो सकता है अभी तो इस तरह से हमें देखना है कि जो भी सब्सटेंस हो यहां पर वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो उसकी विस्कोसिटी कम हो ताकि आयंस उसके थ्रू मूव कर सके इसीलिए यहां पर जिलेटिन और अगर अगर यूज किया जाता है बात समझ में आई लॉजिक समझ में आया तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका यूज क्या है इट इज यूज या पहले एक तो यहां पर सबसे पहले ये देख लो कि सॉल्ट ब्रिज बनाया कैसे जाता है तो लिख देख लेना यहां पर क्या यूज करते हैं मोल्टन जिलेटिन अगर अगर उसके साथ में क्या मिक्स किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इजिली आयंस में टूट जाए जो 100% परसेंट आयन्स में डिसोसिएट हो जाए उनको मिक्स किया जाता है फिर इसको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है सॉलिडिफाई करने के बाद उसको यहां पर पुट कर देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन लिख लेना और यहां पर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज Application of salt bridge. It is used to maintain the electrical neutrality. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ डी सॉल्यूशन ग्लास यूज करने से क्या हो जाएगा बेटा अमन मोल्टन को फिर सॉलिडिफाई कर दिया यहां पर मोल्टन स्टेट में नहीं है मोल्टन का मिक्सर था फिर यहां पर उसको सॉलिडिफाई कर दिया थोड़ा समझ सकते हो ना जेली टाइप सब्सटेंस होता है तो स्टिल आयंस जो है वो मूव कर सकते हैं तो क्यों सॉल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं ताकि आयंस इजीली यानी सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रख सके और अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये करंट ये रिएक्शन होती रहेगी और रिएक्शन होगी तो हमें करंट मिलती रहेगी हाँ लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहां पर यूज कर रहे हो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पर यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट जब एनोड और कैथोड में डिसोल्व होते हैं तो इनकी वहां कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए तो एक दो पॉइंट्स और है जो यहां पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इनर्ट इन नेचर वो स्ट्रॉग भी होने चाहिए मतलब 100% परसेंट भी और इनर्ट नेचर के भी होने चाहिए जैसे मैं आपको बताऊं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें एजी प्लस आइन इन्वॉल्व है किसी सॉल्यूशन में अगर एजी प्लस है तो आप सोल्ट ब्रिज में क्लोराइड आइन यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर क्लोराइड आइन सोल्यूशन में जाके डिजोल्व होंगे तो एजीसीएल का प्रसिपटेट बन जाएगा और वहां पर एक और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसे आयंस होने चाहिए जिसकी किसी के साथ कोई रिएक्शन ना हो के प्लस आयन एन ए प्लस आयन नाइट्रेट आयन ऐसे रिएक्शंस होने ऐसे आयंस होने चाहिए तो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इनर्ट इन नेचर और एक और प्रॉपर्टी चाहिए होती है ये जो आयंस है ना इनका मूवमेंट भी फास्ट होना चाहिए आयंस के मूवमेंट के लिए एक टर्म यूज की जाती है आयनिक मोबिलिटी तो आयनिक मोबिलिटी Of the ions should be high as well as be equal. ज्यादा भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए ये इक्वलिटी का क्या लॉजिक है देखो ज्यादा का लॉजिक तो है कि जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज हो जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाए जितनी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी से डिसॉल्व होंगे लेकिन इक्वल क्यों होना चाहिए उसका लॉजिक है कि हम ये चाहते हैं कि जितने के, जितने एनाइन इधर डिजोल्व हो उतने ही केटाइन यहां पर भी डिजोल्व हो अदरवाइज क्या होगा इस सॉल्ट ब्रिज में मान लो केटाइन ज्यादा डिसोल्व हो गया तो इस सॉल्ट ब्रिज में भी न्यू चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज में अगर चार्ज में डिफरेंस आ गया तो वहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा और जिसके कारण सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो बदल जाएगा तो हम चाहते हैं कि जितने केटाइन यहां डिजोल्व हो उतने ही एनआईन यहां डिजोल्व हो ताकि ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें कोई चार्ज में डिफरेंस डेवलप ना हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहे क्योंकि अगर यहां पर कोई चार्ज में डिफरेंस आ गया तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा और जिसके कारण ये जो सेल पोटेंशियल है वो बदल जाएगा और ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं बस उसको याद करो ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना बहुतों तो को एक गलत चीज पता होती बहुतों तो को क्या लगता है कि सोल्ट ब्रिज से हम सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं बहुतों तो को ऐसा लगता है सोल्ट ब्रिज क्यों लगाया देखो भाई सर्किट तो कंप्लीट करना है अरे भाई सर्किट को नहीं भी कंप्लीट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्किट कंप्लीट करने वाला लॉजिक नहीं है क्यों सोल्ट ब्रिज हम लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है ऐसा नहीं कि वायर लगा दो वायर लगाने से कुछ नहीं होगा तो ये ध्यान रखना बहुत जगह पर ये गलत गलत लिखा हुआ है कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है सर्किट कंप्लीट करता है नहीं करता सर्किट कंप्लीट करना है नहीं करना उसका कोई सेंस नहीं है और यहीं पर अब मैं आपको बता दूं वैसे ये जो है ना जब हम एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत बार हम ये बोल देते हैं कि अच्छा इन दोनों सेल के बीच में क्या है सॉल्ट ब्रिज और सेल रिप्रेजेंटेशन में दोनों सेल के बीच में क्या लगाते हैं हम डबल वर्टिकल लाइन तो हम ये बोलते हैं कि वो जो डबल वर्टिकल लाइन है वो एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन अब मैं आपको यहां पर बता दूं कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं होती है सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्यों नहीं पड़ती है? वो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा जैसे लेट से ये कोई सेल है एक, मान लेते हैं यहां पर आपने क्या किया ये ये सिल्वर है ये उसके ऊपर सीएल ए की कोटिंग करती अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन में क्या चाहिए सीएल चाहिए तो सॉल्यूशन में आपने यहां पर क्या भर दिया एच साहब क्या भर दिया एच यूज किया कोई हाइड्रोजन हाफ सेल यूज कर लिया हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए हमें क्या चाहिए H प्लस आइन तो सॉल्यूशन में H प्लस आइन भी है और सॉल्यूशन में सीएल भी है यहां से हम कंटिन्यूसली क्या पास कर रहे हैं हाइड्रोजन इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो आप यहां पर और दोनों के लिए सेम सॉल्यूशन है हां लेकिन एक एंड पर ऑक्सीडेशन होगा एक एंड पर रिडक्शन होगा तो अब इस सेल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एच सी एल एनोड वाली रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है HCl कैथोड वाली रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है तो इस सेल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो पी टी सॉरी ए जी और एच सी एल और इस तरफ क्या जाएगा एच टू एंड पीटी अगर anode, के कैथोड के अकॉर्डिंग आप इंटरचेंज कर सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है बट इस सेल के रिप्रेजेंटेशन में कोई डबल वर्टिकल लाइन नहीं है क्यों क्योंकि यहां दो कंपार्टमेंट है ही नहीं अगर दो कंपार्टमेंट है तो डेफिनेटली सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा लेकिन अगर एक ही कंपार्टमेंट है तो वहां सॉल्ट ब्रिज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा एक नहीं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है तो ये ध्यान रखना है यहां पर हो सकता है समटाइम्स आप किसी सेल को रिप्रेजेंट करो तो वहां कोई डबल वर्टिकल लाइन ना हो अगर डबल वर्टिकल लाइन नहीं है मतलब दोनों का सॉल्यूशन कॉमन है इवन मैं आपको यह भी बता दूं ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह का भी कोई सेल हो सकता है ये जिंक और ये भी जिंक लेकिन ये जिंक का एक अलॉय है ये भी एक जिंक का जिंक अमलगम का एक अलॉय है यह भी जिंक अमलगम का एक अलॉय है लेकिन इस अलॉय की कंपोजिशन कुछ और है इस अलॉय की कंपोजिशन कुछ और है और अब दोनों में सॉल्यूशन सेम है जेड एन प्लस टू का है. इस सेल से भी हमें करंट मिल जाएगी क्यों करंट मिल जाएगी क्योंकि ये अलॉय अलग है ये अलॉय अलग है तो यहां पर एक एंड पर ऑक्सीडेशन होगा एक एंड पर रिडक्शन होगा लेकिन तो दोनों का सॉल्यूशन तो कॉमन है तो जेड एन प्लस टू यहां पर भी जिंक का एक अलॉय और यहां पर भी जिंक का एक अलोय तो ये इस सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया बहुत सिंपल सा छोटा सा एक एंड पर ऑक्सीडेशन होगा एक एंड पर रिडक्शन होगा सिंस यहां पर अलोय की कंपोजिशन कुछ और है यहां पर अलोय की कंपोजिशन कुछ और है तो एक एंड पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक एंड पर रिडक्शन हो जाएगा हाँ नीरज बिल्कुल एक क्वेश्चन था अभी शीट में जब हमने किया था तब मैंने बोला भी था कि इसमें डबल वर्टिकल लाइन क्यों नहीं है वो अभी समझ में आ जाएगा तो दिस इज अबाउट सॉल्ट ब्रिज जो मैंने पॉइंट बताए हैं बस वो याद रखना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते सॉल्ट ब्रिज पर इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है बस हाँ ये वर्ड पता होना चाहिए कि अगर जहां पर भी दो अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे उनके बीच में सॉल्ट ब्रिज लगेगा वो क्या करता है दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है खत्म और कुछ दो तीन पॉइंट्स जो मैंने बताए थे वो आपको याद होने चाहिए इससे ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं है तो यहां आके इस चैप्टर का एक पार्ट पूरा कंप्लीट होता है विच इज गैल्वेनिक सेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर के तीन पार्ट है गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा पार्ट है कंडक्टेंस तो यहां आके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक है लिख लिया ये सब डायग्राम बना लिया अच्छी तरह से ये सारे पॉइंट्स लिख लेना याद कर लेना जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए इनर्ट भी होना चाहिए और उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए इस पर बहुत सालों पहले बहुत सालों पहले एग्जेक्टली exactly मेरे हिसाब से पंद्रह बीस साल से तो ज्यादा हो गया होगा पंद्रह बीस साल से यानी अराउंड इतना टाइम इस पर जेई में क्वेश्चन आ चुका है तो एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए <laughs> सोनू कह रहा है जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल नहीं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है मुझे पता था कोई ना कोई जरूर पूछेगा एक टर्म चलो और बता देता हूं सोनू so, ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है एक वर्ड और यहां यूज होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो बता देता हूं पॉइंट यह आता है कि क्या इस सॉल्ट ब्रिज के अलावा और कोई ऑप्शन है जिससे हम इन दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर सकते हैं तो एक तरीका है उस तरीके में हम क्या करते हैं ये दोनों जो हाफ सेल है इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस तरफ जिंक इस तरफ कॉपर इस तरफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस तरफ ZnSO4 एसओ का सॉल्यूशन जैसे जैसे यहां पर करंट प्रोड्यूस होगी इस सॉल्यूशन में Zn+2 प्लस टू की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और यहां पर सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये प्लस चार्ज एन को अट्रैक्ट करेगा एनआईन जो है वो केटन को अट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या इस एसपीएम के थ्रू ये जिंक आयन इधर चले जाएंगे जिंक आयन और सल्फेट आयन इधर चले जाएंगे जब जिंक आयन इधर जाएंगे तो यहां का नेगेटिव चार्ज कम होगा और जब सल्फेट आयन इधर आएंगे तो यहां का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा तो एक बीच में एसपीएम लगाने से भी हमारा काम हो एसपीएम यानी सेमी परमिबल मेम्ब्रेन वर्ड सुना हुआ होगा आपने डेफिनेटली जो ह्यूमन स्किन होती वो भी एसपीएम है सेमी परमीएबल मतलब उसके थ्रू कुछ सब्सटेंस पास होते हैं कुछ सब्सटेंस पास नहीं होते हैं उसको कहा जाता है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन तो यहां पर एक एसपीएम लगा सकते हैं और ये एसपीएम लगाने से भी दोनों तरफ के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम क्या आती है कि सॉल्ट ब्रिज में तो जो आयंस है वो हम बाहर से यूज करते हैं जैसे यहां पर हमने क्या ले लिया पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया अमोनियम नाइट्रेट ले लिया तो ये आयंस हम सेलेक्ट करते हैं और ऐसे आयन सेलेक्ट करते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वो स्पीड के साथ मूव करते हैं और सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर लेते हैं लेकिन अगर आप एसपीएम लगा रहे हो तो आयंस तो वही है जो सॉल्यूशन के हैं तो इन आयंस का मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है इस सॉल्यूशन पर थोड़ा बहुत प्लस चार्ज रह जाता है और इस सॉल्यूशन पर थोड़ा बहुत माइनस चार्ज रह जाता है आयंस का मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है जिसके कारण यहां पर प्लस चार्ज इसके का कर... इसके ऊपर माइनस चार्ज रह जाता है बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है यानी दो लिक्विड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और दो लिक्विड्स क्यों हो रहा है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज और दो लिक्विड्स के बीच में जो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज कर नहीं कर रहे हो देखो या तो आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा अगर आप सोल्ट ब्रिज यूज नहीं कर रहे हो तो दूसरा ऑप्शन आता है एसपीएम एसपीएम आपको ये SPM लगानी पड़ेगी तो हम यह कहते हैं कि सोल्ट ब्रिज लगाने से क्या फायदा होता है कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता और ये फेवरेबल नहीं होता लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता ये ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कम कर देता है इसीलिए हम ये कहते हैं लिक्विड सॉरी इलेक्ट सॉरी सोल्ट ब्रिज लगाने का और क्या फायदा है तो सोल्ट ब्रिज लगाने का फायदा यह है कि उससे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है यह एक इसका और एडवांटेज है तो आप यह कह सकते हो इट प्रिवेंट्स विच वन सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बट ये वर्ड हमारे सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं बहुत बार नहीं बताता हूं बट कहीं कहीं मिल जाती है वर्ड कहीं कहीं दिख जाता है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी कुछ होता है तो सॉल्ट ब्रिज लगाने का एक फायदा ये है कि इट अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसके कारण वो जनरेट नहीं होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है तो दो लिक्विड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल दो लिक्विड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डन अब हेडिंग डाल सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी तक हम करंट प्रोड्यूस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस कर रहे थे अब हम करंट से केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंजेस जो भी हो रहे होंगे उनको स्टडी करेंगे तो ये जो डिस्कशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा केस वन सेल कंटेनिंग ओनली वन केटाइन एंड वन एन सेल में अगर एक ही कैटाइन और एक ही एन है तो क्या होगा सपोज करिए कि ये एक कंटेनर है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स ऐसे लगा दिए और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई एक सेल लगा दिया जिससे हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेट से आपने मोल्टन एन का सॉल्यूशन भर दिया मोल्टन एन अगर होगा तो उसमें एन ए प्लस आइन भी होंगे सीएल आइन भी होंगे एच प्लस आइन भी होंगे ओ एच भी होंगे इसीलिए यहां पर एनएसीएल का एक्वस सॉल्यूशन नहीं एनएसीएल का मोल्टन सॉल्यूशन भर दिया जिसके कारण सॉल्यूशन पर सॉल्यूशन में दो ही तरह के आयंस होंगे एक केटाइन और एक एनाइन राइट right? अब जैसे ही आप इस सेल के थ्रू करंट पास करोगे जिस तरह से आपने कनेक्शन किया उसके अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि इस इलेक्ट्रोड पर प्लस चार्ज होगा इस इलेक्ट्रोड पर माइनस चार्ज होगा यही होता है ये एंड ये प्लस और ये एंड माइनस यहां पर सिंस प्लस चार्ज है तो ये सीएल आइन जो है वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और सीएल जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो यहां पर ये यह ऑक्सीडाइज हो जाते हैं यानी सीएल आइन कन्वर्टिंग इन टू सी एल टू और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मतलब यहां पर सीएल आइन का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और सिंस यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है एनोड हाँ लेकिन कह सकते हो यहां एनोड पर माइनस चार्ज नहीं है यहाँ एनोड पर प्लस चार्ज है लेकिन यहां पर भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है गैलवेनिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो चाहे गैलवेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो एनोड किसे कहा जाता है जहां पर ऑक्सीडेशन हो राइट तो एनोड पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरे एंड पर क्या होगा जहां पर Na+ प्लस आइन जाएंगे Na+ प्लस आइन ऑब्बियसली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे एन ए प्लस आइन एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्व करके डिपॉजिट हो जाएंगे सिंस यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं कैथोड ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी तो सॉल्यूशन में से एन ए प्लस और Cl आइन जो है वो एनोड और कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे क्या बनेगा एनए सॉलिड और सीएल टू यू मान लो सीएल टू गैसेस फॉर्म में है तो वो इस कंटेनर में से बाहर चली जाएगी तो ये यहां पर ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगी एक जगह ऑक्सीडेशन दूसरी जगह रिडक्शन यानी एनए के सॉल्यूशन के थ्रू अगर आप करंट पास करते हो तो क्या केमिकल चेंजेस होंगे वो हम यहां से देख सकते हैं क्या प्रोड्यूस होगा सोडियम मेटल और क्लोरीन प्रोड्यूस होगी तो ये यहां पर सेल रिएक्शन हो गई लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन में एक मेजर डिफरेंस है मेजर डिफरेंस क्या है अगर मैं यहां पर ये सेल नहीं लगाता हूं ये बैटरी नहीं लगाता हूं तो क्या ये रिएक्शन होगी मतलब आप यूं सोचो कि हमने दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिए और सॉल्यूशन में एनए है केवल अगर दो इलेक्ट्रोड डिप करने से क्या एनोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना वो अपने आप नहीं होती ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है ये जो रिएक्शन यहां लिखी हुई है इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है फिर ये क्यों हो रही है अगर ये स्पॉन्टेनियस नहीं है तो हो क्यों रही है वो इसलिए हो रही है कि यहां पर अब दो जगह केमिकल चेंजेस हो रहे हैं एक तो जो ये आपने सेल यहां यूज किया आपको पता है ये सेल क्या है ये करंट क्यों दे रहा है गैल्वेनिक सेल है इस सेल में भी एक रिएक्शन होती है इस इलेक्ट्रो यानी यहां पर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है गैल्वेनिक सेल भी है और हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल का जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव होता है तो इस गैल्वेनिक सेल का डेल्टा जी इतना नेगेटिव होना चाहिए कि ओवरऑल पूरे प्रोसिस्टम का ओवरऑल पूरे सिस्टम का डेल्टा जी नेगेटिव हो जाना चाहिए तो, तो ये रिएक्शन होगी अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी सपोज करो इसको ऐसे समझो कि मान लो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है यहां यहां पर जो जो रिएक्शन हो रही है है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट तो आपको ये सेल यूज करना पड़ेगा ना उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए अगर इसका माइनस वन है तो इसका प्लस वन या उससे ज्यादा इसका माइनस टू है तो इसका प्लस टू या उससे ज्यादा होना चाहिए तब जाके ये रिएक्शन होगी अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होती, होती, होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है उसका डेल्टा जी पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका नेगेटिव होता है बात समझ में आ रही है तो ऐसा नहीं कि कोई सा भी बैटरी लगा दो कोई सा भी सेल लगा दो तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगी ऐसा नहीं होगा आपको देखना पड़ेगा कि पहले जो यहाँ रिएक्शन हो रही है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है माइनस वन है माइनस टू है माइनस थ्री है उसके अकॉर्डिंग यहाँ बैटरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी तब जाके ये यह रिएक्शन यहां पर होगी तो देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एक बार पता होना चाहिए चीज़। पूरे चीजें बेसिक से पता होनी चाहिए हो क्या रहा है हर छोटी से छोटी चीज आपको सही ढंग से पता होनी चाहिए और एक सीक्वेंस में जब पढ़ते ना तो चीजें और अच्छी तरह से समझ में आती है एक बार मैं आगे बढ़ जाऊँ और फिर ये समझाऊँ देखो ये ऐसा होता है ये नो ये स्पॉन्टीनियस होती है ये नॉन स्पॉन्टीनियस होती है तो फिर मजा नहीं आता जब आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हो तो बहुत बेसिक लेवल पर जाके पढ़ो हर छोटी छोटी चीज समझ में आनी चाहिए कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको डिफाइन करने जो डेफिनेशन हो उसको फिर से डिफाइन करना पड़े बहुत बार ये होता है कि डेफिनेशन ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उनको फिर से डिफाइन करना पड़ता है भाई तो जब भी आप कोई डेफिनेशन दो बहुत क्लियर होनी चाहिए सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए कोई उसमें हाईफाई टर्म यूज नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रोड किसके यूज करते हैं यहां पर देखना पड़ेगा कोई फिक्स तो नहीं है बट राइट नाउ हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड का ना तो कोई रिडक्शन हो ना कोई ऑक्सीडेशन हो यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Na+ और Cl+ का तो ऐसे इलेक्ट्रोड यूज करो जो कि इनर्ट नेचर के हो जनरली इनर्ट नेचर मतलब प्लेटिनम इस तरह के इलेक्ट्रोड यूज करो ताकि यहां ऐसा नहीं कि सोडियम के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो मैग्नीशियम के कर रहे हो हो सकता है उन्हीं का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड्स अभी हमने यूज किए हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड बोला जाता है इनर्ट क्यों बोला जाता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने यहां पर यूज किए हैं इनका ना तो कोई रिडक्शन हो रहा है इनका ना कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है इसलिए बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और वही इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या मान लेते हैं प्लेटिनम अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो डायग्राम में प्लेटिनम लिखना है वो कितना महंगा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है तो यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं अब ये तो बात गई कि अगर एक ही केटाइन एक ही एनाइन है तो बड़ा आसान है ऑक्सीडेशन होगा हो 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 तो करंट पास करने पर क्या रिएक्शन होगी ये प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान है लेकिन अब यहां क्वेश्चन क्या बनते हैं उस पर आते हैं रिएक्शन तो क्या हो रही है वो पता चल गया बट क्वेश्चन यहां पर अब क्या आएगा कि इतनी देर तक इतने एम्पियर करेंट अगर हमने पास की तो बताइए कितना सोडियम प्रोड्यूस होगा कितनी क्लोरीन प्रोड्यूस होगी यह हमें बताना है या उल्टा बोल दो कि इतना सोडियम अगर प्रोड्यूस करना है तो कितनी करंट पास करनी होगी इतनी क्लोरीन प्रोड्यूस करनी है तो कितनी करंट पास करनी होगी इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं और यह फाइंड आउट करने के लिए दो लॉज इंट्रोड्यूस किए गए जिन्हें हम कहते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड फेराडेज सेकेंड लॉ। तो हेडिंग डालिए फेराडेज फर्स्ट लॉ, और उसके बाद में हम बात करेंगे फेराडेस सेकेंड लॉ की लक्ष्य कह रहा है सर प्लेटिनम की रेट क्या है आपको तो पता होगा ना आपने तो दिया है बेटा उस शादी के टाइम पे लिया था और दिया था बस उसके बाद मत पूछा करो तुम ज्यादा अविरल ग्रेफाइट यूज करेंगे नहीं करेंगे ये हमारा डिस्कशन ही नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है थीहन कह रहा कि सर आपके जैसा अमीर होना है तो थन बेटा और कुछ लोगों के नाम बता दूं मैं तुम्हें थोड़ा अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ ख्वाब बड़े देखो छोटे ख्वाब मत देखो थोड़े ख्वाब बड़े ही होने चाहिए तुमने नाम नहीं सुने मुकेश अंबानी इलॉन मस्क है अडानी क्या यार आ, देखो बहुत सारे नाम आ रहे हैं विजय सर अमन सर इंद्राज कह रहा सर विजय सर तो अंबानी से ज्यादा अमीर है सही है बेटा तो बड़े बड़े ख्वाब पाल है ना था अच्छा वीजी सर एक से एक सही बड़े बड़े नाम ले रहे हो तुम अब किसी ने तो एक बहुत बड़ी लाइन बोल दी भाई कि सर, पैसे से अमीर नहीं बनना है मुझे तो नॉलेज से अमीर बनना है आपकी तरह क्या जब ये ठीक लाइन है वैसे ये ठीक है अगर पैसे नहीं आ रहे हो ना तो ये लाइन बड़ी अच्छी होती है कि पैसों से क्या करना है यार आदमी दिल से अमीर होना चाहिए मन से अमीर होना चाहिए नहीं अच्छा तुम इतने सारे नाम लिख रहे हो किसी एक के बराबर अमीर होना चाहते हो सबकी कंबाइंड जितनी वेल्थ है उसके बराबर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वेल्थ हो जाए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसी एक के बराबर चाह रहे हो या जितने नाम तुम लिख रहे हो तुम ये चाहते हो कि उन सबकी कंबाइंड वेल्थ जितनी है उतनी तुम्हारी वेल्थ हो बोलो बोलो अच्छा अर्चित कह रहा हाँ सर उन सबकी कंबाइंड करके हम चाहते हैं कि उसके बराबर हमारी हो सही है बेटा दोनों में से कोई भी चलेगा अच्छा अमन कह रहा है कि मेरा ड्रीम तो है कि वन हाउस ऑन द मून प्रणव एक-एक के एक सर स्कैम ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन इक्कीस हजार करोड़ मोहित कह रहा है कि मेरे को दे देगा सिर्फ एक दिन बहुत बड़ा अमीर बनूंगा और फिर आपको बहुत सारे रुपए दूंगा चलो बढ़िया बेटा मैं भी बढ़ जाऊंगा यह अच्छी बात कही है। ज्यादा मत देना मेरे को तो थोड़े बहुत भी दे देना यार दस पंद्रह करोड़ भी बहुत है अपने लिए तो बेटा मून पर घर बना के क्या करोगे वहां चौदह दिन में तो सन राइज होता है चौदह दिन का एक दिन होता है चौदह दिन की एक रात होती है और जब चौदह दिन की रात होती है तो टेम्परेचर माइनस में दो सौ पचास डिग्री तक चला जाता है पता है गर्मी पड़ती तो 100 डिग्री दिन में जब दिन होता तो 100 डिग्री रात होती तो माइनस टू फिफ्टी डिग्री चलो ठीक है वापस इस पर आ जाए बेटा फेराडे लो फेराडे चिल्ला रहा है तड़प रहा है कि भाई फेराडे लो हेडिंग डाल दी मेरे को भी डिस्कस कर लो मेरे सामने तुम करोड़ों लाखों की बात कर रहे हो मैं तो ऊपर चला गया मैं कुछ कर नहीं सकता तो पहले तो फेराडे लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं वैसे मैं आपको बताऊं ये जो फेराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ है ना हम इनको यूज नहीं करने वाले हैं। इससे ज्यादा अच्छा तरीका हमारे पास है बट ठीक है सिलेबस में है तो मैं वो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं लेकिन हम बिना फेराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ के बता सकते हैं कि कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी तो पहले चलो फिर भी स्टेटमेंट लिख सकते हो फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Produced at anode and cathode is directly proportional to the charge passed. ज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चार्ज पास्ट मतलब फेरा फर्स्ट लो क्या कह रहा है कि जो अमाउंट प्रोड्यूस होगी डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू डब्ल्यू यानी अमाउंट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी चार्ज हाँ यहां पर एक प्रपोर्शनल टी कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम लिखते हैं जी से जी या जेड जे जो भी बोलो एंड दिस जी इज कॉ इलेक्ट्रो केमिकल इक्वलेंट अब क्वेश्चन यह आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट क्या होता है वैसे तो एक प्रपोशनलिटी कॉन्स्टेंट है लेकिन इस प्रपोशनलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी सब्सटेंस टू सब्सटेंस रिएक्शन टू रिएक्शन बदलती है यह फिक्स नहीं होता है जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना थोड़ा एन फैक्टर जो होता है उसी तरह से ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये रिएक्शन टू रिएक्शन बदलता है इवन सब्सटेंस टू सब्सटेंस भी बदलता है तो इस Z की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन ये आता है क्या Z की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी तो आंसर इज नो क्वेश्चन में Z की वैल्यू नहीं दे रखी होगी आपको ये Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्वेश्चन ये आता है कि हम Z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं यहां पर बताऊंगा इनफैक्ट जो हमारा तरीका है उस तरीके से यूं कह दो या तो हमें जेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या हम जिस तरीके से क्वेश्चन करते हैं उससे आप चाहो तो Z की वैल्यू भी निकाल सकते हो तो ये तो चलो फेराडे फर्स्ट लो था मैंने आपको बता दिया व्हाट इज वेराडेस्ट लो डब्ल्यूल टू जेड इंटू क्यू जेड क्या है डब्ल्यू क्या है क्यू क्या है ये हमें पता चल गया अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर पता होना चाहिए वो पॉइंट्स मैं यहां पर आपको बता रहा हूं एक तो यहां पर एक वर्ड यूज होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ये एन फैक्टर वर्ड रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो एन फैक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए वैसे ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है जिन्होंने पहली बार सुना है थोड़ी देर के बाद जब मैं दो तीन एग्जाम्पल लूंगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि एन फैक्टर क्या होता है कुछ एग्जाम्पल से आप देख सकते हो अदरवाइज डिटे, डिटेल में ये चीज रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं इलेवंथ में पढ़ते हैं तो वहां पर जाके आप देख सकते हो इलेवेंथ के लेक्चर्स में कि वॉट इज एन फैक्टर ठीक है तो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर और इलेक्ट्रॉन का जो एन फैक्टर होता है एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वन ही होता है एन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन एक इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इक्वेलेंट यानी नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात है नंबर ऑफ इक्वेलेंट बोलो या नंबर ऑफ मोल्स बोलो वो बदलता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर हो गया वन अब यहां पर लेट्स से एक एन ए प्लस या एक दो पॉइंट और है पहले चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा वो आप कैसे निकालोगे एक मॉल इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन एन ए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कोलॉम्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये नियर बाइवेस 96,500. एग्जैक्टली वैल्यू ये नहीं आती नियर बाय ये वैल्यू आती है कुलॉम्स हम यूज कर सकते हैं. यानी एक मॉल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 96,500 सिक्स और इसी को पता हम और क्या बोलते हैं वन फेराडे वर्ड तो खैर पहले भी यूज हो चुका है वन फेराडे हमने पहले भी इसको डिराइव किया हुआ है फर्दर अब मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब आप ये कह सकते हो कि चार्ज ऑन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन एक ही बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर वन है तो वन मोल इलेक्ट्रॉन यानी वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन यानी वन मोल इलेक्ट्रॉन बोलो या वन इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलो उस पर चार्ज कितना होगा नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी वन फेराडे वन फेराडे भी लिख सकते हो नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कुलॉम भी लिख सकते हो और इसे हम और इसे हम पता और क्या बोलते हैं वन मोल चार्ज भी बोल देते हैं वन मोल चार्ज यानी वन मोल चार्ज कितना हो गया नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कुलॉम वन मोल चार्ज बोलो वन इक्वलेंट चार्ज बोलो वन फेराडे चार्ज बोलो सबका मतलब एक ही है सबका मतलब एक ही है वन इक्विवेलेंट चार्ज यह भी लिख देता हूं यहां पर अब लेट से मेरे पास टेन थाउजेंड कुलम चार्ज है या ट्वेंटी थाउजेंड कुलॉम चार्ज है तो मुझे चार्ज के इक्वेलेंस निकालने हैं तो मेरे पास लेट से क्यू चार्ज है तो कितने इक्वेलेंट चार्ज होगा तो Q डिवाइडेड बाय 96,500 अगर 96,500 सिक्स चार्ज है तो कह सकते हो वन इक्वेलेंट चार्ज है वन मोल चार्ज है अगर Q चार्ज है तो Q डिवाइडेड बाय 96,500 इसे हम क्या कह सकते हैं इक्वलेंस ऑफ चार्ज इक्वलेंट ऑफ चार्ज समझ में आ गया तो चार्ज के इक्वेलेंस कैसे निकालने है? तो कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय 96,500, यानी 96,500 से डिवाइड कर दो तो इक्वेलेंस ऑफ चार्ज पता चल जाएगा तो Q अपॉन 96,500, चाहो तो इस Q को ऐसे भी लिख सकते हो करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इतने एम्पेयर करंट को इतनी देर तक अगर हमने पास किया तो इतना चार्ज पास होगा बिकॉज एम्पियर होता है क्या कुलॉम्स पर सेकेंड उससे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो तो कुलॉम्स तो आई मल्टीप्लाइड बाई टी इज चार्ज तो यह कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए चलिए नेक्स्ट पेज पे लेता हूं बाद में पी डी एफ सही नहीं आएगी अब यहां पर अगर मुझे एक एन ए प्लस आयन को डिपोजिट करना है तो कह सकते हो एक एन ए प्लस आयन को डिपोजिट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अगर एक मोल एन ए प्लस आयन को डिपोजिट करना है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हो गए इसके एक मोल के लिए इसका भी एक मोल मोल एमओ एलई -E भी लिखते हैं और एमओ एल -E भी लिखते हैं लेकिन अगर ये मान लो कैल्शियम आयन है तो एक मोल कैल्शियम आयन को डिपोजिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के कितने मॉल चाहिए दो मोल चाहिए और यही अगर एल्यूमिनियम आयन है तो उसके एक मॉल को डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए तीन मॉल चाहिए साहब यानी इन टर्म्स ऑफ अगर हम मॉल बात करें अगर मॉल्स की टर्म में बात करें तो किसी के एक मॉल के लिए एक मॉल इलेक्ट्रॉन किसी के एक मोल के लिए दो मोल इलेक्ट्रॉन किसी के एक मोल के लिए तीन मोल इलेक्ट्रॉन यानी फिक्स नहीं आ रहा फिक्स नहीं है किसी के एक मोल के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन किसी के लिए दो मोल इलेक्ट्रॉन किसी के लिए तीन मोल इलेक्ट्रॉन लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ मोल्स अगर हम की टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एन तो फैक्टरेंट तो भी एक दो मोल यानी दो इक्वेलेंट तीन मोल यानी तीन इक्वेलेंट एन ए प्लस कैल्शियम आयन एल्यूमिनियम आयन इनका एन फैक्टर कितना है जनरली यहां पर एनए प्लस आइन प्लस वन से जीरो में चेंज कितने का हो रहा है वही वन तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही उनका एन फैक्टर होता है तो इस एन ए प्लस आइन का एन फैक्टर वन कैल्शियम आइन का टू एल्यूमिनियम आइन का थ्री वन टू थ्री ये देखो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन में जाके देख लो बेसिक चीजें हैं ये पता होना चाहिए तो एन ए प्लस का एन फैक्टर वन है तो इसके एक मोल यानी एक नंबर ऑफ मोल्स फैक्टर मोल्स फैक्टर तो इसके वन मोल यानी टू इक्वेलेंट इसका एन फैक्टर थ्री है तो वन मोल यानी तीन इक्वेलेंट मतलब अगर हम इक्वलेंट्स की टर्म में देखें इसका एक इक्वलेंट इसका भी एक इसके दो इक्वलेंट इसके भी दो इक्वेलेंट इसके तीन इक्वलेंट तो इसके भी तीन मतलब जितने इक्वेलेंट सब्सटेंस है उतने ही इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के चाहिए उतने ही इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन के चाहिए चाहे वो एल्यूमिनियम हो चाहे कैल्शियम हो चाहे सोडियम हो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स बराबर होंगे इनफेक्ट आप इक्वलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो इक्वलेंट कॉन्सेप्ट कहता ही है कि ए और बी अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके एक्स इक्वलेंट रिएक्ट करेंगे तो इसके भी एक्स रिएक्ट करेंगे दैट इज इक्वलेंट कॉन्सेप्ट ए और बी के इक्वेलेंट्स और सी सबके इक्वलेंट्स बराबर होंगे मॉल्स बराबर हो या ना हो इक्वेलेंट सबके बराबर होंगे ए और बी रिएक्ट करा तो ए के पांच इक्वेलेंट रिएक्ट करेंगे तो बी के भी पांच करेंगे ए के दस करेंगे तो बी के भी दस करेंगे चाहे उनके स्टोक्योमेट्रिक ऑप्शन कुछ भी हो दैट इज इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट तो यहां पर अब हम इसको इक्वेलेंट से रिलेट करेंगे और यह कह सकते हैं कि कोई सा भी सब्सटेंस हो जितने इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन पास होंगे जितने इक्वेलेंट चार्ज पास होगा उतने ही इक्वेलेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा मतलब जो लाइन है हमारे लिए यहां पर वो यह है कि नंबर ऑफ क्वलेंस या सीधा इक्वलेंस ऑफ चार्ज इक्वेलेंस ऑफ चार्ज चार्ज पास्ट कितना चार्ज आप पास कर रहे हो इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एनोड और उतने ही सब्सटेंस कैथोड पर भी प्रोड्यूट प्रोड्यूस होंगे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड मतलब सीधा सीधा सा है देखो अगर आपने एक फेराडे चार्ज पास किया है एक फेराडे मतलब एक इक्वलेंट, एक फेराडे एक पता चल गया कि कैथोड पर डिपॉजिट होगा एनोड पर कितना इक्वलेंट डिपॉजिट होगा उस इक्वलेंट को वापस नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो और नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकाल सकते हो मास निकाल सकते हो हाँ नंबर ऑफ इक्वेलेंट से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना उसके लिए वो एन फैक्टर पता होना चाहिए करेंगे अभी जिनको नहीं पता वो ढंग से आराम से सुने जिनको एन फैक्टर नहीं पता दस क्वेश्चन करके पांच सात क्वेश्चन देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि एन फैक्टर कैसे निकालना है कैसे करना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं ऐसे परेशान होंगे तो नहीं होगा बहुत बेसिक चीज है इजीली कर सकते हो यानी सबके इक्वेलेंस को बराबर करना है इट राइट लेता हूं मैं दो तीन एक, एक दो एग्जाम्पल ले देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में फाइंड द मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय फाइव फेराडे चार्ज रेडॉक्स के कौन से लेक्चर में है वो थोड़ा देखना पड़ेगा इनिश पूरे स्टार्टिंग से ही करो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आना चाहिए फिर बैलेंसिंग वाला पार्ट है वैसे फिफ्थ या सिक्स लेक्चर में एन फैक्टर वर्ड आता है लेकिन उसके लिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए चलिए क्वेश्चन करते हैं फाइव फेराडे चार्ज पास कर रहे हैं तो बताओ कितना एन प्लस प्रोड्यूस होगा कितनी क्लोरीन प्रोड्यूस होगी तो पहले तो इक्वेलेंस ऑफ चार्ज निकालो इक्वेलेंस ऑफ चार्ज वो कितना हो जाएगा फाइव फेराडे मतलब फाइव इंटू नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो कितने इक्वेलेंट फाइव इक्वेलेंट डायरेक्टली भी बोल सकते थे फाइव फेराडे मतलब फाइव इक्वेलेंट डायरेक्टली भी बोल सकते थे आप मतलब इसके भी फाइव इक्वलेंट प्रोड्यूस होंगे इसके भी फाइव इक्वेलेंट प्रोड्यूस होंगे अब प्रॉब्लम कि equivalent से मोल्स कैसे निकालना है तो उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी होगी एनए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इन टू एन एक् रिएक्शन ये हो रही है एन फैक्टर निकालना है दो लैंग्वेज बोलूंगा दोनों का रिजल्ट सेम आएगा बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है आंसर सेम आता है एक तरीका तो यह है एन फैक्टर का जो आप यूज कर सकते हो एन फैक्टर क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल यहां पर इसका कॉफिशंट वन है मतलब एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है एक मॉलिक्यूल के साथ राइट नाउ एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल के साथ दो इलेक्ट्रॉन इनवॉल्व थे पर मॉलिक्यूल देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए एन फैक्टर टू पर मॉलिक्यूल देर आर थ्री इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए इसका एन फैक्टर थ्री पर मॉलिक्यूल देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसका एन फैक्टर वन खत्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल ये सबसे यूनिवर्सल सिंपल डेफिनेशन है तो यहां पर इस एन ए प्लस का एन फैक्टर कितना हो गया वन और अगर एन फैक्टर वन है तो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स बराबर तो नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स इक्वल्स टू ऑफ सोडियम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स और वो कितने हो गए फाइव सोडियम के मोल्स पता चल गए इसके आगे कैसे करना वो आप जानो ये मत पूछ लेना बस मेरे से और क्लोरीन की बात करें तो पहले क्लोरीन की रिएक्शन लिखो क्लोरीन की रिएक्शन क्या लिखेंगे सीएल माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cl2 टू इसको बैलेंस करो बैलेंस कैसे भी करो इधर टू या इधर हाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको चार्ज से बैलेंस करो इधर दो नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी नेगेटिव चार्ज ये रिएक्शन भी क्या होगी बैलेंस यहां पर अब क्लोराइड आयन का इनफेक्टर पूछा है तो अलग होगा सीएल टू का इनफेक्टर पूछोगे वो अलग आएगा क्यों क्योंकि इसका कॉफिशन टू है इसका कॉफिशन वन है तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सीएल आयन का इनफेक्टर कितना है तो दो मॉलिक्यूल के साथ दो इलेक्ट्रॉन तो एक के साथ एक तो वन इसका कॉफिशंट वन है तो इसके एक मोलिक्यूल के साथ दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका इनफेक्टर टू इसका इनफेक्टर वन इसका इनफेक्टर टू अब क्लोरीन कितनी प्रोड्यूस होगी Cl2 का मास बताना आपको इक्वेलेंट्स तो इसके भी उतने ही होंगे इक्वलेंट्स तो जितने इस Cl2 के होंगे उतने ही सीएल के होंगे इसके इक्वेलेंट्स कितने फाइव इक्वेलेंट्स पांच इक्वलेंट तो इसके भी पांच इक्वेलेंट लेकिन इसका एन फैक्टर टू है तो मोल्स निकालने के लिए इक्वेलेंट्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है तो 2.5 पॉइंट मोल्स और 2.5 पॉइंट मोल्स का मास इंटू सेवेंटी ग्राम समझ में आई बात लिखो इसको थोड़ा बहुत लेक्चर देख लेना मेरा एन फैक्टर कैसे निकालते हैं क्या करते हैं लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा लेकिन ध्यान रखना रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं वहां बहुत सारे केसेस हैं यहां पर इतना यूज नहीं होता है वहां पर अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन में देखोगे तो केवल पहला वाला केस यूज होगा केस वन बाकियों से मतलब नहीं है तो इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहां पर उसका एक बेसिक पार्ट यूज होता है तो जितना मैं बता रहा हूं उससे हो जाएगा ये जो डेफिनेशन मैंने दी है उसको याद रखो इट तो बहुत आसान है इससे हमारा काम हो जाएगा और चार पांच एग्जाम्पल देखोगे खुद समझ में आ जाएगा डेफिनेटली बेटा रिडॉक्स से भी जेई में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा तो है नहीं रिडॉक्स पढ़ना नहीं है रिडॉक्स भी पढ़ना है तो पढ़ो रेडॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली रेडॉक्स जितना ज्यादा अच्छा आएगा उतना फायदा मिलेगा क्वेश्चन जेई में भी आते हैं जेई मेंस में भी आते हैं जेई एडवांस में भी आते हैं जेई मेंस में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं लेकिन जेई एडवांस में तो आ रहे हैं पिछले छह सात सालों से रेगुलरली जेई एडवांस में और सिंपल आते हैं ये भी आपको बता दू रिडॉक्स से क्वेश्चन जेई एडवांस में आ रहे हैं और हर साल मैं कह सकता हूं यानी जो आसान क्वेश्चन है वो रिडॉक्स से ही आ रहा है बस थोड़ी सी रिएक्शन पता होनी चाहिए बाकी क्वेश्चन सारे आसान है क्लोरीन बेटा सीएल टू का मास कितना होता है सीएल टू लिखा हुआ तो सेवनटी वन ही होगा सीएल थोड़ी लिखा हुआ है ओ टू का मोलिकुलर मास क्या होगा थर्टी टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सिक्सटीन होता है ओ टू इज नॉट एटम ओ टू इज मॉलिक्यूल तो उसका थर्टी टू होगा ठीक है तो होमवर्क पर आ जाते हैं जी एस वन थर्टी सेवन तक कर चुके थे ज्यादा नहीं दे रहा हूं थोड़ा सा और थर्टी एट से फोर्टी टू ओ वन फोर्टी सिक्स से लेके फिफ्टी वन और अब इसकी जेई एडवांस की जो एक्सरसाइज है ना जई मेंस भी बहुत बड़ी है जई एडवांस भी बहुत बड़ी है जई एडवांस से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर टू सेवन चलो यही बहुत है ढंग से करना ये एडवांस वाले क्वेश्चन को ठीक है बाय बाय